हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट मोदक की रेसिपी, जिसे आप गणेश जी के भोग के लिए फटाफट से तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रेसिपी। इंस्टेंट मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब मिल्क पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ आधा कप ही नारियल का बुरादा। आधा कप नारियल का बुरादा डाल लेने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर। यहाँ पर मैं आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और ये नारियल का बुरादा मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और यहाँ पर ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाल लिया, और साथ में डाल रही हूँ इसमें आधा कप के करीब दूध, और इसमें डाल लेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून के करीब चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, तो चीनी मैं यहाँ पर कम डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं या फिर इसे और कम भी कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे मोदक में बिल्कुल अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसमें डाल देती हूँ, और यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया है मैंने। मिला लेते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। तो हमें मेल्ट कर लेना है, और हम दूध को लगातार चला लेंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर लगभग हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, और इसमें हम डाल देंगे ये मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो ये पूरा मिक्सचर मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और मिला लेंगे। और इसे हमें इतना ड्राई कर लेना है जितना कि ये हम इसके मोदक बना सकें। बाइंड होना स्टार्ट हो जाए तब तक हम इसे ड्राई करेंगे लगातार चलाते हुए। और ये मोदक का मिक्सचर ज़्यादा टाइम नहीं लेता ड्राई होने में, फटाफट हो जाता है ये। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो गया है। तो थोड़ा सा और ड्राई करेंगे इसे हम, क्योंकि अभी भी ये इकट्ठा नहीं हो रहा। जब पूरी तरीके से इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, अलग नहीं हो रहा। तो इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और बिल्कुल ये बाइंडिंग के फॉर्म में भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं ऑफ कर रही हूँ, और इस मिक्सचर को हम निकाल लेंगे प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसे अब हम ठंडा होने देंगे, तो इतना ठंडा करेंगे जितना कि हम इसे छू पाए। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर हमारा मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हम बिल्कुल आटे की तरह तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब घी ले लिया है, और घी लगाकर इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। इस मिक्सचर को बिल्कुल स्मूथ कर लेना है ताकि मोदक हमारे बहुत अच्छे बने। तो देखिए बिल्कुल आटे की तरह तैयार हो गया है, और बिल्कुल स्मूथ सा डो बन गया है ये। बस इतना ही इसे हमें तैयार करना है। और ये मिक्सचर अभी भी हल्का गर्म है। और मोदक बनाने के लिए मैंने एक मोदक का फ्रेम लिया है, और इस पर हम इस तरीके से थोड़ा सा हल्का हल्का घी लगा लेंगे। तो ये मोदक का जो फ्रेम है सांचा है, किसी भी बर्तन वाली शॉप पे आराम से मिल जाता है। और इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे, और ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है ये हम मोदक में इस तरीके से डाल देंगे और प्रेस कर देंगे, ताकि इसका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छे से आए। तो इस तरीके से प्रेस करके इसे बनाएंगे, और पूरा फिल कर देना है इसको। तो ये इस तरीके से मैंने फिल कर दिया। और फिल करने के बाद हम इसे खोल लेंगे, और ये देखिए हमारा एक मोदक बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है हमारा ये मोदक। तो बाकी मैं बना लेती हूँ इसी तरीके से, और दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे। तो बार बार हमें इसमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हम लॉक करेंगे, इस मिक्सचर को फिल करेंगे। बस इसे हमें ध्यान रखना है कि इसे दबाना ज़रूर है, ताकि जो ये यहाँ पे शेप आई है वो अच्छे से आ जाए। ये इस तरीके से पूरा प्रॉपर फिल कर देंगे, और ये हमारा दूसरा मोदक भी बन गया। ये देखिए तो ये दूसरा मोदक भी तैयार है, और मैं
और यहाँ पर मैंने 6 मोदक बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम मोदक के ऊपर नारियल के बुरादे की कोटिंग करेंगे। तो एक मोदक इस तरीके से लेकर इसके ऊपर हम ये डाल देंगे। इसका शेप बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये हमारा एक मोदक तैयार है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरा मोदक लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने सभी मोदक की अच्छे से कोटिंग कर लिए हैं नारियल के बुरादे से और बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से गणेश चतुर्थी पर मोदक जरूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी।